नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम फलक कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर लूसेंट का जनरल लूसेंट का ऑब्जेक्टिव किताब पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका ये एमसीक्यू बेस्ड किताब है। इस किताब में लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक वो है आपका बायोलॉजी का चैप्टर नंबर पढ़ेंगे 17, जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स का हम लोग यहाँ पर चेक प्रैक्टिस करेंगे और इसमें आपका टोटल जो है क्वेश्चन मिलेगा, टोटल आपका 100 क्वेश्चन मिलेगा। उसको हम लोग एक वीडियो में कम्प्लीट करेंगे, ठीक है। तो आपका इसका एक ही वीडियो आएगा, एक वीडियो में पूरा आपका क्लिप कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, तो आपका पहला क्वेश्चन है हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो वन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी मेंडल। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स इज मेंडल। क्वेश्चन नंबर टू है वर्ड जीन वाज गिवन बाय, तो वर्ड जीन वाज गिवन बाय टू का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जॉनसन। क्वेश्चन नंबर थ्री है यूनिटी ऑफ हेरिडिटी इज, तो थ्री का ऑप्शन नंबर जीन। क्वेश्चन नंबर फोर है मेंडल वर्क डाउन, तो फोर का ऑप्शन नंबर सी गार्डन पी। क्वेश्चन नंबर फाइव है जीन आर मेड अप ऑफ, तो फाइव का ऑप्शन नंबर सी डीएनए। क्वेश्चन नंबर सिक्स है जेनेटिकली जेनेटिकली इंजीनियर्ड फॉर्म ऑफ ब्रिंजल नोन एज वीटी ब्रिंजल हैज बीन डेवलप्ड, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इज, तो सिक्स का ऑप्शन नंबर है टू मेक इट पेस्ट एसिडेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका सेवन है पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन ऑफ डीएनए कंटेंट, तो सेवन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजीनियस बेस डीऑक्सी रिबो सुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। एट है द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए स्ट्रक्चर, तो एट का राइट आंसर ऑप्शन बी ट्रांसक्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर नाइन है सिंगामी रिजल्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ, ऑप्शन नंबर बी डिप्लॉयड जाइगोट, ठीक है। कुछ आपका टेन है मेंडल्स लॉ वेयर डिस्कवर्ड रीडिस्कवर्ड बाय, तो टेन का ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस कॉरन से मार्क एंड डेवरीज। क्वेश्चन नंबर ग्यारह मेंडल्स सेकंड लॉ इज द लॉ ऑफ, तो इलेवन का राइट आंसर ऑप्शन बी सेग्रेगेशन। क्वेश्चन नंबर बारह है विच वन इज एक्सेप्शन और टू मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, तो बारह का राइट आंसर ऑप्शन बी मीरा ब्लूस। तो तेरह है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग इज ए टेक्निक यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ, तो तेरह का राइट आंसर है ऑप्शन बी डिस्प्यूटेड पेरेंटेज। चौदह है द सब यूनिट्स ऑफ डीएनए आर नोन, तो फोर्टीन का ऑप्शन नंबर न्यूक्लियोटाइड। पंद्रह है चेंज इन द बेस ऑफ सीक्वेंस विद इन द जीन इज कॉल्ड, तो पंद्रह का ऑप्शन नंबर सी म्यूटेशन। सोलह है राइबोजाइम्स, तो सोलह का ऑप्शन नंबर बी आरएनए। सत्रह है मोनो हाइब्रिड रेशियो ऑफ मेंडल्स प्रोसेस, तो सत्रह का ऑप्शन बी 3:1। क्वेश्चन का अठारह है हु गॉट नोबेल प्राइज फॉर आर्टिफिशियल सिंथेसिस ऑफ डीएनए, तो अठारह का ऑप्शन नंबर डी कॉरनबर्ग। नाइनटीन है वन जीन वन एंजाइम थ्योरी इज गिवन बाय, तो 19 का ऑप्शन सी बीडल एंड टाटू। 20 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग हेरिडिटरी फैक्टर्स ऑफ द लिविंग सेल, तो 20 का ऑप्शन नंबर डी डीएनए। 21 है द गोल्डन राइस कंटेंस बीटा कैरोटीन जीन विच कम्स फ्रॉम, तो 21 का ऑप्शन बी डेफोडिल। 22 है सेक्स क्रोमोजोम इन ह्यूमन मेल आर नेम्ड, तो 23 का ऑप्शन नंबर सी एक्स वाई। 23 है क्रोमोजोम्स आर बेस्ड सीन इन, तो 23 का ऑप्शन सी मेटाफेज। 24 है द टर्म म्यूटेशन वाज इंट्रोड्यूस बाय, तो 24 का ऑप्शन सी ह्यूगो डेविस। 25 है जेनेटिक मटेरियल फाउंड इन सेल, तो 25 का ऑप्शन मेरे डीएनए। 26 है आर्टिफिशियल जीन सिंथेसिस वाज फर्स्ट डन इन लेबोरेटरी बाय, तो 26 का ऑप्शन नंबर बी खुराना। 27 है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट इज कॉल्ड, तो 27 का ऑप्शन नंबर बी जगह सही हेरिडिटी। नेक्स्ट आपका है 28 नंबर क्वेश्चन है, 28 नंबर है डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए इज गिवन बाय, तो 20 का ऑप्शन में सी वाटसन इन क्रिक है। 29 है हेरिडिटी कैरेक्टर्स ऑफ पेरेंट ट्रांसफर टू देयर ऑफस्प्रिंग बाय, तो 29 का ऑप्शन में सी क्रोमोसोम। 30 है ऑल ऑफस्प्रिंग ऑफ पेरेंट्स आर नॉट सिमिलर ड्यू टू, तो 30 का ऑप्शन नंबर है वेरिएशन। 31 है डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन मैन, तो 31 का ऑप्शन है 23। 32 है विच ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिकली मॉडिफाइड वेजिटेबल इज रिसेंटली बीइंग मेड अवेलेबल इन इंडियन मार्केट, तो 32 का ऑप्शन नंबर सी ब्रिंजल। 33 है हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स डिटरमिनेशन ऑफ अ चाइल्ड, तो 30 ऑप्शन नंबर है फादर। 34 है नंबर ऑफ ऑटोसोम्स इन ह्यूमन स्पर्म, तो 34 का ऑप्शन नंबर सी सही है 22 पे है। 35 है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट्स इज नॉट ए पार्ट ऑफ मेंडल्स सेवन कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स इन ग्रीन पी, तो 35 का ऑप्शन नंबर सी स्मूथ एंड झरक स्टेम। 36 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेक्स लिंक डिजीट, 36 का ऑप्शन नंबर सी कलर ब्लाइंडनेस। 37 इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर
consider the following. The woman suffer from color blindness while her husband does not suffer from it. They have a son and a daughter. In this context, which one of the following statement is most probably correct? So 37 correct answer is option D. Son suffers from color blindness while daughter does not suffer from it. 38, a color blind person cannot distinguish option B, red and green. 39, color blindness is related with a defect. 39 का ऑप्शन बी हो जाएगा कोन सेल. 40 आपका क्वेश्चन नंबर है 4 है. फॉर अ कलर ब्लाइंड पर्सन रेड कलर अपीयरेंस, तो 40 का ऑप्शन नंबर सी सही है ग्रीन. 41 है कलर ब्लाइंड पर्सन मैरी विद नोबल वुमेन ब्लाइंडनेस इज प्रोड्यूस इन देयर, तो 41 का ऑप्शन नंबर डी डॉटर एंड देयर डॉटर. ठीक है नेक्स्ट आपका 42 नंबर क्वेश्चन है. तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड गिवन गिवनाइन एंड एक्सिस्टोसाइन इज इन डीएनए, तो 42 करेक्ट आंसर ऑप्शन में सी 43 है. डॉटर बॉर्न टू हेमोफिलिक फादर एंड नॉर्मल मदर कुड बी 43 का बी कैरियर. 44 है जीन्स लोकेटेड एंड जीन लोकेटेड ऑन माइक्रोकॉन्ड्रियल डीएनए, तो 44 का ये जनरली सो मटेरियल मैटरनल हेरिटेज. 45 है हेमोफिलिया इज ड्यू टू, तो 45 का ऑप्शन सी रिसेसिव सेक्स लिंक्ड जीन. 46 है न्यूक्लियोसाइड इज, तो 46 का ऑप्शन नंबर नाइट्रोजेनियस बेस प्लस शुगर. 47 है सिंथेसिस ऑफ डीएनए इज कॉल्ड, तो 47 का ऑप्शन में ट्रिप्लिकेशन. 48 है जेनेटिक कोड इज, तो 48 का सी ट्रिपलेट. 49 है एक्सपेरिमेंटल एविडेंस टू शो दैट द जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट कोड वाज प्रोवाइडेड बाय ऑप्शन में सी निरेनबेरी एंड मथेई. 50 है इन जेनेटिक डिक्शनरी देयर आर 64 कोडोंस, तो 50 का ऑप्शन में डी जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट. 51 है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए और इंफॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए, तो 51 का ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन बी ट्रांसक्रिप्शन. 52 है हु प्रूव्ड दैट डीएनए इज बेसिक जेनेटिक मटेरियल, तो 52 का ऑप्शन नंबर डी हेस्सी एंड चेस. 53 है द हाइड्रोफिलिक नेचर ऑफ डीएनए ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, तो 53 का ऑप्शन बी फॉस्फेट ग्रुप. 54 है सर्कुलर डीएनए इज प्रेजेंट इन, तो 54 का ऑप्शन नंबर डी माइक्रोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट. 55 है न्यूक्लिक एसिड आर मेड अप ऑफ, 55 का ऑप्शन न्यूक्लियोटाइड. ठीक है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 56 है कोडेड इंफॉर्मेशन इंक्लूड न्यूक्लिक एसिड डिपेंड्स अपॉन, तो 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड. 57 है न्यूक्लियोटाइड फेस प्रेजेंट इन डीएनए एंड नॉट आरएनए, तो 57 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी थायमाइन. 58 है आरएनए कंटेंट, तो 58 का राइट आंसर ऑप्शन बी राइबोज. 59 है डीएनए प्रिंटिंग इज अ टेक्निक यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ, तो 59 का ऑप्शन बी डिस्प्यूटेड पैरेंटेज. 60 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जेनेटिक डिजीज इन ह्यूमन बींग, तो 60 का राइट आंसर ऑप्शन सी रियोमेटिक हार्ट डिजीज. 61 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेरिडिटरी डिजीज, तो 61 का ऑप्शन बी हेमोफिलिया. नेक्स्ट आपका 62 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेरेंटिनिज्म इन ह्यूमन डिसऑर्डर विच इज ड्यू टू द अंडर सिक्रेशन, तो 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी थायरोक्साइन हार्मोन. 63 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच, तो 63 का ऑप्शन नंबर एडेनाइन थायमाइन प्यूराइंस, या पता चलता है बाकी आपका थायमाइन यूरासिल पाइरिमिडाइन सही है, यूरासिल सिस्टोसाइन पाइरिमिडाइन सही है, ग्वानिन एडेनाइन प्यूराइन सही है. 64 डिफरेंशिएशन ऑफ ऑर्गन एंड टिश्यू इन ए डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म इज एसोसिएटेड विद, तो 64 का ऑप्शन नंबर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ जीन्स. 65 है न्यूक्लियोसोम कंटेंट, तो 65 का राइट आंसर है ऑप्शन में बी बोथ डीएनए एंड हिस्टोन्स. 66 है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वाज डिस्कवर्ड बाय, तो 66 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी लेमिन एंड बाल्टीमोर. 67 है प्रोसेस इन विच पार्ट ऑफ डीएनए बैक्टीरियल सेल इज ट्रांसफर्ड टू अनदर थ्रू थ्रू वायरसेस, तो 67 का राइट आंसर है ऑप्शन में सी ट्रांसडक्शन. 68 है न्यूक्लिक एसिड ऑकरिंग, तो 68 का राइट आंसर मेडी ऑल ऑफ देम वायरस बैक्टीरिया मैनुअल. 69 है स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ डीएनए दैट अंडरगोस रिकॉम्बिनेशन इज, तो 69 का ऑप्शन मेडी रिकॉन. 70 है डीएनए स्ट्रैंड हैव, तो 70 का राइट ऑप्शन सी एंटी पैरेलल पोलैरिटी. नेक्स्ट आपका 71 है इन मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट ब्रीडिंग ऑफ टॉल पी प्लांट टीटी बियरिंग वॉलेट फ्लावर डब्ल्यू एज वॉज डन विद शॉर्ट पी प्लांट स्मॉल डबल टी बियरिंग व्हाइट फ्लावर स्मॉल डबल डब्ल्यू द प्रोगेनी ऑल बोल वॉलेट फ्लावर बट ऑलमोस्ट ऑल ऑफ हाफ ऑफ देम विद शॉर्ट जेनेटिक मेकअप ऑफ द टॉल पेरेंट कैन बी, तो विच ऑफ दिस मेकअप इज आर करेक्ट, तो 71 का ऑप्शन बी थ्री ऑन टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल डब्ल्यू एज स्मॉल डब्ल्यू विच वन ऑन विच करेक्टली मैं, तो 72 का राइट आंसर ऑप्शन बी क्लीन फिल्टर सिंड्रोम 44 ऑटोजोम प्लस XXY, ये आपका गलत है बाकी आपका सही है.
तो ये आपका सिर्फ सही है, बाकी सब गलत है, ठीक है। तो 72 का टेंस होगा आपका ये, 73 है जीन इज, तो जीन क्या आपका ऑप्शन नंबर ए, पार्टिकुलर डीएनए सेगमेंट विच डिटरमाइंस हेरिडिटी ऑफ ए पार्टिकुलर ट्रेट। 74 है फाइंड आउट द मिसमैच, तो 70 आपका कौन सा इसमें मिसमैच है, तो 74 का ये क्लीन फिल्टर सिंड्रोम 100, बाकी गलत है, बाकी पर सही है। हेमोफिलिया सेक्स लिंक्ड डॉन्स डो ऑटोजोमल एन्यूप्लॉयडी टर्नर सिंड्रोम डेवलप जो है फीमेल विद रिटार्डेड सेक्सुअल डेवलपमेंट, ये तीनों सही है। 75 है द जीन विच एग्जिस्ट मल्टीपल इफेक्ट इज यूनस, तो 75 का ऑप्शन बी प्लियोट्रोपिक। 76 है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोफेशनल आर मोस्ट मोर लाइकली टू रन द रिस्क ऑफ ए परमानेंट चेंज इन देयर सेल्स डीएनए, तो 76 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 4। तो रिसर्चर्स यूजिंग कार्बन 14 आइसोटो आपका एक्सरे टेक्नीशियन एंड आपका जो डायर एंड पेंटर है आपका तीनों सही है। 77 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स कैन बी यूज्ड टू एस्टैब्लिश द पैटर्निटी ऑफ ए जेल, तो 77 का ऑप्शन बी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। 78 है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाइए, तो 78 का राइट आंसर है ऑप्शन बी 4, 3, 1, 2 आर राइट। तो थ्योरी ऑफ म्यूटेशन ये आपका सही है डी वेयरवाइज का, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ये आपका सही है डार्विन का, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस ये सही आपका जैकोब एंड मोनोड और ओपेरोन कॉन्सेप्ट ये सही आपका पीडल एंड टैटोम। तो थ्योरी ऑफ म्यूटेशन ये आपका हो गया डी वेयरवाइज, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन डार्विन, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस जैकोब एंड मोनोड और ओपेरोन कॉन्सेप्ट कौन दिया है, तो पीडल एंड टैटोम ने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन आपका 79 है फिलिया इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर विच लीड टू, तो 79 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। 80 है असर्शन योर रीजन आर कह रहा है, तो 80 का राइट आंसर ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो असर्शन ये कह रहा है इंसेक्ट रेसिस्टेंट ट्रांसजेनिक कॉटन हैज बीन रिप्रोड्यूस्ड बाय द इंसर्टिंग बीटी जीन, ये सही है और रीजन आर है द बीटी जीन इज डिराइव्ड फ्रॉम ए बैक्टीरियम, ये सही है। 81 है असर्शन रीजन, तो असर्शन ये है डॉली वाज द फर्स्ट क्लोन्ड मैमल और रीजन आर है डॉली वाज प्रोड्यूस्ड बाय इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, तो 81 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आपका ये गलत सही है और आर्क्स गलत है, तो डॉली वाज द फर्स्ट क्लोन मैमल सही है और डॉली वाज प्रोड्यूस बाय इन विट्रो फर्टिलाइजेशन गलत है। 82 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिक डिसीज इज सेक्स लिंक्ड, तो 82 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए रॉयल हेमोफिलिया। 83 है असर्शन रीजन, तो 83 का राइट आंसर ऑप्शन डी ए इज फॉर RH2, तो इन असर्शन ये आपका गलत है। इन ह्यूमन बींग द फीमेल प्ले ए मेजर रोल इन डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग गलत है, वोमेन हैव टू क्रोमोसोम ये आपका सही है। 84 है असर्शन रीजन है, तो असर्शन 84 का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग हैज बिकम ए पावरफुल टू टू एस्टैब्लिश पैटर्निटी एंड आइडेंटिटी ऑफ क्रिमिनल इन रेप एंड असॉल्ट केसेस सही है। रीजन आर कह रहा है ट्रेस एविडेंस सच एज हेयर सलाइवा एंड ड्राइड सीमेन आर रिक्वायर्ड फॉर डीएनए एनालिसिस एफ का सही है। 85 नंबर क्वेश्चन है इंसेक्ट रेसिस्टेंट कॉटन प्लांट हैव बीन जेनेटिकली इंजीनियर्ड बाय इंसर्टिंग ए जीन फ्रॉम, तो 85 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बैक्टीरिया। 86 है व्हेन वन जीन कंट्रोल्स टू और मोर डिफरेंट कैरेक्टर साइमल्टेनियसली द फेनोमेना इक्वल, तो 86 का राइट आंसर है ऑप्शन बी प्लियोट्रोपी, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 87 है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 87 है हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी इज ए न्यू बायोटेक्नोलॉजिकल अप्रोच फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन, तो 87 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। 88 आपको मिलाना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से, तो 88 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मतलब कि 3, 4, 2, 1, ठीक है। तो एक आपका डिस्कवरी ऑफ ट्रांसडक्शन है कंजक्शन आपको हो जाएगा लीडर बग और establishing the six link genetics आपका हो जाएगा मॉर्गन ने दिया था, ठीक है। और आइसोलेशन ऑफ डीएनए पॉलीमरेज फ्रॉम इकोली, तो सी का राइट आंसर है 2, तो ये आपका हो जाएगा कॉरेन बेरी। और establishing the complete genetic code ये आपका पुराना ने किया था, ठीक है। तो डिस्कवरी ऑफ ट्रांसडक्शन एंड कंजक्शन आपका हो गया लीडर पर, और establishing the सेक्स लिस्ट इनहेरिटेंस ये आपका है मॉर्गन, और आइसोलेशन ऑफ डीएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ई कोली ये आपका होगा
कोरिन बेरी और एस्टैब्लिशिंग द कंप्लीट ट्रेडिंग कोड हो गया आपका पुराना। 89 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ वीट, तो 89 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी फैसिलोस मुंगो। तो वीट का जो आपका साइंटिफिक नाम क्या है तो फैसिलोस मुंगो नाम है। 1890 नंबर है क्वीन विक्टोरिया ऑफ इंग्लैंड वाज, तो 90 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हेमियोफिलिया फिलियक। 91 एट प्रेजेंट साइंटिस्ट कैन डिटरमाइन द अरेंजमेंट ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ जीन और डीएनए सीक्वेंसेस ऑन ए क्रोमोसोम, हाउ डज दिस नॉलेज बेनिफिट अस। तो आपका 91 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1 and 3 आर ऑनली राइट। तो इट इज पॉसिबल टू नो द पेडिग्री ऑफ लाइव स्टॉक, ये सही है। इट इज पॉसिबल टू डेवलप डिजीज रेसिस्टेंट एनिमल ब्रीड्स, ये भी आपका सही है। 92 है विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट डाउन सिंड्रोम, तो 92 का राइट आंसर है ऑप्शन बी अफेक्टेड इंडिविजुअल हैज अर्ली एजिंग। 93 है द फर्स्ट क्लोन्ड एनिमल डॉली वाज, तो 93 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी शिप। नेक्स्ट आपका 94 नंबर क्वेश्चन है नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ए नॉर्मल ह्यूमन बॉडी सेल इज, तो 94 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 46। 95 है जेनेटिक्स डील्स विद, तो जेनेटिक्स डील्स विद 95 का ऑप्शन नंबर डी हेरिडिटी एंड वेरिएशन। 96 है मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस आर बेस्ड ऑन, तो 96 का ऑप्शन नंबर सी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 97 है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉज है जेनेटिक वेरिएशन बिकॉज ऑफ, तो 97 का ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव ब्लेंडिंग ऑफ जीन क्रोमोसोमल चेंजेस एंड शफलिंग ऑफ जीन। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 98 when one gene pair hides of the effect of the other unit the phenomenon is referred to as, so 98 ka right answer option b epistasis. 99 with reference to the recent development in science which one of the following statement is not correct, so 99 ka option number a functional chromosome can be created by joining segments of dna taken from cells of different species, galat hai, pieces of artificial functional dna can be created in laboratory, sahi hai, a piece of dna taken out from an animal cell can be made to replicate outside a living cell in a very sahi, cells taken out from plant and animals can be made to undergo cell division in a laboratory petri dish, ye sahi hai. 100 hai what combination of paternal chromosome result in a female, to 100 ka option b x double x. 101 hai in may 2019 scientists from council of scientific industrial research csir center for cellular and molecular biology in hyderabad for the first time sequenced the entire genome. 101 का ऑप्शन होगी एशियाटिक लाइन, ठीक है। तो इस प्रकार हमने देखा आज का वीडियो, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।